हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये बताओ, ये माँ बहन तार रही है आपकी नेता चौराहे पर खड़े होके, इनको माला पहनाऊ भैया? ए के मिश्रा जी, मतलब क्या किया जाए, कैसे, मतलब कोई, मुझे तो इसका वो लॉजिक नहीं समझ में आता। कानपुर देहात में बुलडोजर के चलते क्या परिस्थिति बनी, और उसकी चिता की लाश आग ठंडी नहीं हुई भाई लोगों ने सीतापुर में, वो तो भला हुआ वो कैंसर का रोगी बुजुर्ग मरा नहीं, नहीं उस पर भी चढ़ाई देते ये बुलडोजर, क्या कर रहे हैं भाई? देखिए अमिताभ जी, जी सबसे पहले तो मेरी बहुत गहरी संवेदना है जिनकी जल करके मृत्यु हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बुलडोजर का जो काम चला था वो इसलिए चला था कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भू माफिया हैं, जो गुंडे हैं, यहाँ पे मैं एक चीज और देखता हूँ कि कहीं सड़क के किनारे किसी एक गरीब ने टेम्पररी सी झोपड़ी लगाई है और कुछ बेच रहा है या रह रहा है। उनकी झोपड़ी मैंने देखी थी तो वो चारों तरफ से बंद भी नहीं थी, आधी खुली थी आधा ये, तो उसको एटलीस्ट मानवीय दृष्टिकोण से मैं अतिक्रमण नहीं मानूंगा। वो एक टेम्पररी उनकी व्यवस्था होती है कि कैसे भी करके हम अपने जीवन को यापन कर ले। तो यहाँ पे प्रोविजंस अलग होने चाहिए कि पहले नोटिस भेजिए, अगर हटाना भी है तो नोटिस भेजिए, उनको वक्त दीजिए कि ताकि वो कहीं शिफ्ट कर पाए। भाई ऐसे लोग कोई अपराधी तो है नहीं, किसी का जमीन उन्होंने हड़पा नहीं, ना कोई पक्की उस पे निर्माण करवाया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कैसे ये घटना हो गई, ये अपने आप में बड़ा सोच। वो मिश्रा जी इस पे कल चर्चा कर चुके, आज तो सवाल नए आ गए ना, आज तो सवाल ये है जी, जो नेता है ये मातारी बहनियां करती घूम रही है, है? वो सब बातें कल कर चुके, इनका क्या करें? दूसरा एक मिनट, ये हमारे पैसे से जो सिस्टम चल रहा है टैक्स पेयर के, उसमें लोहिया आवास, मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास, जवाहरलाल नेहरू आवास, जितनी आवास की योजनाएं हैं गरीबों के लिए, हमारे पैसे चल रही है ना, क्योंकि कोई पार्टी चला रही है, वो इन्हीं जैसे गरीबों को मकान देने के लिए है कि बुलडोजर चढ़ा देगा कोई आके कप्तान और लेखपाल? सब कुछ हमारे पैसे से चल रहा है। और ये जो एक मैडम थी जिन्होंने आपने सुनाए, बड़ा लंबा बीप था और जो बोल रही थी, बड़ा पंडित का दुम बना हुआ है, ये टोटली अशोभनीय है। यहाँ पे पक्ष हो या विपक्ष हो, और स्पेशली एक महिला के मुंह से इस तरह की बातें, पुरुषों के मुंह से तो कभी कभी सुना जाता था कि भाई इस तरह का, लेकिन महिला अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है अच्छे नेचर को जो है रिप्रेजेंट करती है, बाय नेचर बाय बर्थ करती है। ये रूप तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, और समाज में, राजनीति में ये बिल्कुल भी जो है अनुकरणीय नहीं है, इसको मान्यता नहीं दी जा सकती। ठीक है, कैसे मान लूं? एसडीएम अज्ञात होता है, अजब गजब बात है भी। एके मिश्रा जी, जीवित मछली ने जीवित बकरी खिलाने की कोशिश होगी क्या? लील जाओ पानी पी लो, एसडीएम अज्ञात होता है। और मैं मान लूं, कल मैंने कहा था मिश्रा जी, पूरे 74-75 में इमरजेंसी जब लगी, पूरे देश में तो गोली चली नहीं सबके ऊपर, न सबकी नसबंदी हो गई देश में, हो गई होती तो आज इतनी जनसंख्या नहीं होती, मिश्रा जी समझ रहे ना? कुछ केस हुए, कांग्रेस की लुटिया डूब गई, इंदिरा गांधी ने तो की नहीं थी आके, या कहीं आपने पैसा देखा था कि इंदिरा गांधी आई स्टेशन पर किसी भिखारी को पकड़ के ले गई? नहीं ना। लेकिन सजा किसको मिली थी मिश्रा जी? पूरी सरकार को ही मिली। तो ये बात समझ नहीं आ रही, मसला सीतापुर का हो, कानपुर देहात का हो, कहीं का हो। नहीं अमिताभ जी, देखिए न्याय व्यवस्था जो भी हो, चाहे वो बुलडोजर के फॉर्म में हो, चाहे जो भी, ये सरकार ने भी है कि जो है ये हमेशा दुष्टों के खिलाफ है, माफियाओं के खिलाफ है। तो इस ये चीज जो है होना चाहिए, एक गरीब आदमी कहीं अकेले अपना झोपड़ी लगा के बैठा है, उसके ऊपर शासन और प्रशासन का जो है ताकत दिखाना और ये दिखाना कि भाई देखो ये न्याय व्यवस्था है, मुझे लगता है या तो ऊपर से जो मंशा रही है, जिस इरादे से ऊपर वालों ने, बड़े नेताओं ने या सरकार ने ये सारी चीजें डिजाइन की, नीचे वालों ने गड़बड़ी की, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं।
बात आपकी सही है, गड़बड़ी नीचे वाला करे, जेसीबी ड्राइवर करे, कोई भी करे, एसडीएम करे, नीचे तबके के, लेकिन परसेप्शन तो वो सरकार के खिलाफ ही जाएगा या सरकार के फेवर में जाएगा। अच्छा हुआ तो भी सरकार के फेवर में जाएगा। सरकारों को लोकतंत्र में इस चीज के लिए बड़ा सेंसिटिव रहना चाहिए, और भारतीय संस्कृति में और अपने संविधान में भी लिखा है कि 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निरपराध को बिल्कुल भी सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक बात, मूल भावना है संविधान की। जी ठीक बात है, मैं कपीर जी के पास आऊं। ये मसला, अगर ये दोनों ठीक होते कानपुर में देहात में, तो ये घटना ही नहीं घटती। 14 जनवरी को जब आपने इसका घर गिराया था दीक्षित का, तो ये लोग रोते पीटते गए थे डीएम के यहां, कप्तान के यहां, तो फिर उनको अच्छी अच्छी भाषा से संबोधित करके भगा दिया गया था और मुकदमा अलग ला दिया गया था। मिश्रा जी, आप जी जो दो पोस्ट आपने बताई, कप्तान, डीएम और एसडीएम वगैरह, नहीं नहीं, मैं एसडीएम फर्स्टडीएम की किसी के लपेड़े में नहीं पड़ रहा, मैं सिर्फ जिला अधिकारी हिंदी में और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक, बस दो ही को जानता हूँ जिले में। इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, और जिस हिसाब से एग्जाम होता है या तैनाती के पहले मानवीय संवेदनाओं की भी परख होनी चाहिए, ये भी जांच लेनी चाहिए। भाई आप हैं तो जनता के उद्धार के लिए, जनता की मदद करने के लिए कानून है, शासन है और प्रशासन है ना। अगर ये लोग संवेदनहीन हो जाए तब तो ये एकदम उल्टा काम करने लगेंगे। शासन की जो पावर इनके हाथ में है वो तो विनाश करना शुरू कर देगा। अगर इतनी भी समझ नहीं है कि एक झोपड़ी में दो महिलाएं जो है, माँ और बेटी, फंसी रह गई, तो आप इनको क्या समझेंगे? आप इनको, मैं तो इनको निपट मूर्ख समझता हूं और संवेदनहीनता समझता हूं। कैंसर वाला जो आपने बताया, भाई कैंसर का मरीज है, उसको कम से कम तो टाइम देते कि वो शिफ्ट करता, हॉस्पिटल जाता, कहीं जाता। आपने जो बैटरी वाली बात बोली है, सारी सबकी सुई मुझे बैटरी पे जाती है। देखिए बहुत बड़े लेवल से ये चीजें नहीं हुई होंगी, सारे लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, निश्चित ही कोई ना कोई लोकल बैटरी अगल बगल की होगी जिसने ये चीज किया होगा। मोटिव अभी जांच में आएगा सामने, ठीक बात, इसने क्या किया, क्यों किया, क्यों षड्यंत्र किया। अदरवाइज मैं भारतीय जनमानस को समझता हूं, ऐसे बहुत कम लोग हैं, इतना निर्दयी, इतना निर्मम जल्दी लोग नहीं होते हैं। वो कप्तान वगैरह या एसडीएम वगैरह भी समझदार होते हैं। ठीक,